आपकी जुबान आपकी। सिद्धार्थनगर में डुमरियागंज से भाजपा विधायक राघवेंद्र का विवादित बयान, कहा मदरसों की मान्यता रद्द कर बेसिक शिक्षा से जोड़ दिया जाए तो सारे आतंकवाद फिर अपने आप खत्म हो जाएंगे। तो भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान, कहा खतरे में है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की कुर्सी, हिंदू नहीं इस्लाम पर खतरा संभव। अपना दल एस ने विश्वनाथ गंज से विधायक डॉक्टर आरके वर्मा को दिखाया बाहर का रास्ता, अनुशासन समिति ने पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने का आरोप लगाते हुए डॉक्टर वर्मा को पार्टी से किया निलंबित। भाजपा के क्षेत्रीय सह संयोजक का वीडियो हुआ वायरल, वायरल वीडियो में वो अपने आप को सबसे बड़ा गुंडा बता रहे हैं, खुलेआम कह रहे हैं कि हमारे पास तन है मन है धन है, हमसे बड़ा गुंडा कोई नहीं। बाहुबली राजा भैया की जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी ने जारी की 11 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, राजा भैया खुद कुंडा से तो वहीं वर्तमान विधायक विनोद सरोज बाबागंज से लड़ेंगे चुनाव। शिवपाल सिंह की पहली बड़ी जनसभा में नहीं दिखा समाजवादी पार्टी का कोई बड़ा नेता, जसवंत नगर की जनसभा में केवल शिवपाल और उनके पुत्र आदित्य यादव दिखाई दिए, सपा परिवार का कोई भी सदस्य नहीं दिखाई दिया। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण को लेकर सख्ती, आज रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लगेगा कोविड कर्फ्यू, मास्क पहनने पर होगी सख्ती। धामी कैबिनेट में 40 मामलों पर चर्चा, वृद्धावस्था और दिव्यांग पेंशन 1200 से बढ़ाकर 1500 रुपए, शिक्षा मित्रों की सैलरी भी बढ़ी। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का उत्तरकाशी दौरा, भाजपा की विजय संकल्प यात्रा का करेंगे समापन। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की तैयारी पूरी, निर्वाचन आयोग ने जारी की अंतिम वोटर लिस्ट, प्रदेश में कुल 81,43,922 मतदाता। हेडलाइंस की